दोस्तों, इन्वेस्टमेंट में पावर ऑफ कंपाउंडिंग का जादू क्या है? सुप्रभात दोस्तों, आप सभी का एसके हेल्थ एंड वेल्थ में स्वागत है। दोस्तों, अभी रिसेंटली एक बात हो रही थी, उसके अंदर जब एक कस्टमर ने मेरे से पूछा कि ये जो आप दिखाते हो इतना बड़ा रुपया हो जाएगा 30 साल के बाद में, 25 साल के बाद में, कैसे होता है, तब हमने जब उसको बताया कि वैल्यू ऑफ कंपाउंडिंग जो है ना, ये एक अलग तरह का कैलकुलेशन है और उसी से ही ये रुपया बढ़ता है, तो बोला बोले यार थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करके बताइए। मैं सोचा कि जब ऐसी जिज्ञासाएं और के मन में भी तो होगी, तो इसीलिए उसको यहाँ पर पूरी तरह से एक्सप्लेन करते हैं। अब आते हैं कि वर्किंग कैसे करता है। दोस्तों, जो आदमी जितना अर्ली स्टार्ट करता है, अर्ली स्टार्ट मतलब समझ लीजिए आप इंडिया के अंदर अपना जो बच्चा ग्रेजुएशन करके अगर पोस्ट ग्रेजुएट हुआ या कुछ भी एक प्रोफेशनल कोर्स करता है, तो उसका ये समझ लो भाई 23-24-25 तक उसका कंप्लीट हो जाता है और वो बंदा काम करने लग जाता है, बंदा होते बंदी हो। अब क्या है कि उसको अपना रिटायरमेंट एज अपने आज के दिन भी इंडिया में 60 ईयर्स पकड़ते हैं, तो उसके पास जो है ना समझ लो 35-36-37 ईयर्स का गैप रहता है। ये जो गैप है उसके अंदर कैसे रुपया बढ़ता है वो मैं आपको दिखाता हूँ कि अपना कैसे स्टार्टिंग किए और बाद में आगे जाके किस ढंग से उसकी उन्नति होती है, वो कैसे मल्टीप्लाई होता है, दैट इज द मेन थिंग। अब जो इन्वेस्टमेंट करेंगे अपने बुद्धिमत्ता के साथ करेंगे, विजडम के साथ करेंगे, जहां पर अपने को हाई रिटर्न मिलती है उसकी बात करते हैं। दोस्तों, पैसा तो आपका बैंक एफडी में भी बढ़ता है, लेकिन अपने को इन्फ्लेशन बीटन रिटर्न की बात करेंगे यहाँ पर। बैंक के अंदर आज के दिन बैंक एफडी की रेट 5.5% है, पोस्ट ऑफिस वगैरह में इंटरेस्ट रेट समझ लो 5.5% 6% की है। इन सब से जब आदमी का रुपया बढ़ता है, बढ़ता जरूर है लेकिन आपका समझ लीजिए किस ढंग से बढ़ा। आज इन्फ्लेशन चलता है मार्केट में 6.5% का, आप अगर 5.5% का रिटर्न करेंगे तो आप अल्टीमेटली आज के 10 साल के बाद में आपके देखेंगे आप नेगेटिव रिटर्न अर्न कर रहे हो। क्यों? कि आप इन्फ्लेशन को भी बीट नहीं कर पाए। अब टेक एन एग्जांपल, आप पहला एग्जांपल लेते हैं, सपोज कीजिए कोई बंदा 1000 रुपया करके पर मंथ इन्वेस्टमेंट कर रहा है और वो 36 साल तक किया, कितना हुआ मंथ अपने 432 मंथ। वो जो 1000 रुपया जो है आपने 432 मंथ यानी आप अपना उसके हिसाब से उतना ही आपका 4,25,000 रुपया आपने जमा किया और उसका वैल्यू कितना होगा 6% रेट का अगर आप जोड़ेंगे ना तो इट विल बी हार्डली 43 लाख रुपीज। ठीक है, whereas अगर ये रिटर्न अगर अपने 12% कर देते हैं तो वही रिटर्न जाके सिंधी खड़ी हो जाएगी 1 करोड़ रुपया के ऊपर। ये रिटर्न का जो फर्क है ये लोग कम देख पाते हैं। तब आते हैं कंपाउंडिंग का दूसरा इफेक्ट। आज समझ लीजिए कोई बंदा 5,000 रुपए करके जमा किया, 6.5 साल के अंदर वो रुपया जाके बढ़ के कितना बना अपना समझ लीजिए 1,00,000 रुपया पहुंचा, कितना 1,00,000 रुपया। लेकिन आप समझ लीजिए 6.5 साल के बाद में वो बंदा उतना ही रुपया इन्वेस्टमेंट कर रहा है, लेकिन समझिए 1,00,000 रुपया के ऊपर अगर अपने को 12% का रिटर्न आ रहा है तो 1,00,000 रुपया के ऊपर 12,000 रुपया तो आपने इंटरेस्ट ही आ गया, 1,12,000 रुपया प्लस 12,000 रुपया आपने जमा किया तो 1,24,000 रुपया के ऊपर आपको नेक्स्ट ईयर रिटर्न मिलेगा। ये जो कंपाउंडिंग इफेक्ट इसी को बोलते हैं कि ये जो ब्याज के ऊपर जो ब्याज आता है, इंटरेस्ट के ऊपर जो इंटरेस्ट बढ़ता है ना, ये एक्चुअल में एक्स फैक्टर है। अब मैं आपको एक दूसरा एग्जाम्पल दूंगा नेचर के साथ। आज आप समझ लीजिए अपने जो नारियल का जो वृक्ष है कोकोनट ट्री या बेम्बू ट्री, आप देखेंगे कोकोनट का जो वृक्ष है वो खूब धीरे 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 बढ़ता है, लेकिन दोस्तों आपने कभी देखा है कि तूफान के अंदर नारियल का गाछ उड़ गया? नहीं होता है दोस्तों, वो अपने आप को एडजस्ट भी करता है। ऐसे ही है, लॉन्ग रन में जाते हैं तो अपना एडजस्टेड रिटर्न भी मिलता है और रुपया खड़ा भी रहता है। दूसरा एग्जाम्पल देता हूँ मैं अपना बम्बू ट्री का, ये जो बांस का गाछ होता है इनिशियली आप देखेंगे 5-7 साल अरे ये तो कोई बढ़ी नहीं रहा, वहीं का वहीं खड़ा है, लेकिन बाद में आप जब ग्रोथ होती है उसकी, जब कंपाउंडिंग इफेक्ट आता है, तब आप देखते हैं फटाक से ऐसे ग्रो करता है नेक्स्ट 5-10 साल के अंदर और उसके बाद में जो उसके फ्रूट्स आते हैं कंटिन्यूस आते ही रहते हैं। दोस्तों, जो बीता हुआ कल है उसका अफसोस मत कीजिए, आने वाले कल के ऊपर विश्वास मत करिए क्योंकि वो कल कभी आता नहीं है। जो स्टार्ट करना है आज करना है, अभी करना है, जितना भी करना है ये समझ लीजिए कि अपना अगर आज के दिन कैपेसिटी अपनी 500 रुपए की तो 500 से करिए, 5,000 का तो 5,000 हो, 50,000 हो जाए 5,000 हो, जिसकी जो कैपेसिटी है उसके हिसाब से काम शुरू कर देना चाहिए। एक चीज और मत भूलिएगा दोस्तों, जब भी इन्वेस्ट करें ये तो रेगुलर इन्वेस्टमेंट की जो रिटर्न्स है उसका
इसका तो कोई मुकाबला है ही नहीं, लेकिन साथ में टॉप अप करते रहिएगा। कभी भी आपको कोई बोनस मिलता है, कहीं से कोई गिफ्ट में पैसे आ गए या कोई भी तरह की ऐसी चीज आ जाती है, तो उसको इन्वेस्ट जरूर करिएगा। जैसे अपने वीजा लेते हैं तो उसके ऊपर एक टॉपिंग डलवाते हैं तो उसका एक अलग टेस्ट आ जाता है, वैसे ही जीवन में इसका भी एक अलग टेस्ट आता है। ये जो कंपाउंडिंग फैक्टर जो है ना, अपने अल्बर्ट आइंस्टाइन साहब बोलते थे, दोस्तों ये जो कंपाउंडिंग है मेरे को लगता है विश्व का ये आठवां आश्चर्य है। दोस्तों ये एक मैजिक की तरह काम करता है, ऐसा एक जादू है। जो आदमी इसका मजा लिया है वही समझ सकता है, दूसरे तो सिर्फ बात सोच सकते हैं। इसको अब अपने समप करते हैं दोस्तों, अपना सेविंग जितना जल्दी स्टार्ट करें उतना अच्छा है। जितना हाई यील्ड प्रोडक्ट है उसके अंदर जाना चाहिए, जैसे म्यूचुअल फंड है, शेयर मार्केट है, यहाँ पर आपको रिटर्न गजब की मिलती है और 12-15% यहाँ कोई माने ही नहीं रखता है। इसलिए दोस्तों स्वस्थ रहो, मत रहो और हाई रिटर्न में इन्वेस्ट करो, कंपाउंडिंग इफेक्ट का मजा लो।